एक सवाल, जॉब के साथ साथ YouTube को कैसे मैनेज करें कि कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहे और जॉब में भी कोई फर्क ना पड़े। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि YouTube को आप किस तरह पार्ट टाइम ग्रो कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि मैं अपनी जॉब के साथ किस तरह YouTube के लिए टाइम को मैनेज करता हूँ। तो इस साल 2024 में बहुत सारे लोग YouTube में ग्रो होना चाहते हैं। कुछ फुल टाइम YouTube पर काम करते हैं तो कुछ पार्ट टाइम। लेकिन अगर आपने नया नया चैनल बनाया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि YouTube पर पार्ट टाइम ही काम करो। मेरा मतलब है कि YouTube को एज अ पार्ट टाइम ही अपने जीवन में लो, क्योंकि आज की डेट में YouTube पर ग्रो होना थोड़ा मुश्किल हो गया है और मार्केट इतनी सैचुरेटेड हो गई है कि आपको हर फील्ड में भर भर के कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। फिर चाहे वो गेमिंग कैटेगरी में हो, टेक कैटेगरी में हो, फैशन, न्यूज या एंटरटेनमेंट कैटेगरी में ही हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि YouTube पर ग्रो होना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस इसके लिए आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है और कंसिस्टेंसी मेंटेन बनाए रखनी है। लेकिन भाई, मैं तो जॉब करता हूँ, YouTube के लिए टाइम कैसे निकालूं? चिंता मत कर मेरे भाई, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए ये चार टिप्स आपको जरूर फॉलो करने हैं, जिसमें पहली टिप आती है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप लोग भी जॉब के साथ साथ YouTube को ग्रो करना चाहते हो तो आपको भी YouTube के लिए एक टाइम टेबल बनाना होगा, जिसमें आप YouTube के जरूरी काम कर सकते हो, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग या वीडियो को शूट करना। एग्जांपल के लिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सुबह के 8 बजे से रात के 10 बजे तक 13 या 14 घंटे की जॉब ड्यूटी करता हूं और उसके बाद 10 से 12 बजे तक YouTube के लिए टाइम निकाल लेता हूं। इसका मतलब है कि मैंने टाइम को इस तरह से मैनेज कर लिया है जिससे मेरी कंसिस्टेंसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मेरी जॉब भी सिक्योर रही। अब आते हैं टिप नंबर 2 पर, जो कि है कंटेंट प्लानिंग। कंटेंट प्लानिंग, या तो आप कंटेंट को प्लान कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं आप एक ही दिन में पूरी वीडियो बना लो। आप हर दिन के लिए अलग अलग टाइम टेबल बना सकते हैं, जैसे एक दिन स्क्रिप्ट राइटिंग कर ली, एक दिन शूट करके अगले दिन वीडियो को एडिट कर लिया। इस तरह कंटेंट को प्लान करके YouTube पर इजीली काम कर सकते हैं और ये चीज उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अभी अभी नए नए YouTube पर आए हैं। अब आते हैं टिप नंबर 3 पर, यूटिलाइज हॉलीडेज। किसी भी जॉब में हॉलीडेज तो होती ही है, इसलिए छुट्टी के दिन टाइम वेस्ट करने की बजाय आप उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं और छुट्टियों में बाहर घूमने की बजाय कंटेंट रिसर्च, शूटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको YouTube पर ग्रो होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अब बात करते हैं मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करता हूँ। सुबह 7 बजे के करीब मैं उठता हूँ और 7 से 8 बजे तक मैं स्क्रिप्ट राइटिंग और टॉपिक रिसर्च जैसे काम कर लेता हूँ। और इसके बाद सुबह के 8 बजे से रात के 10 बजे तक की ड्यूटी के बाद रात को 10 से 11 बजे तक वॉइस ओवर करके पूरा कर लेता हूँ। और दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत एडिटिंग का काम कर लेता हूँ। इस तरह मुझे एक वीडियो को बनाने में कम से कम 10 दिन का टाइम लग जाता है। मुझे इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बहुत कम है। लेकिन अगर आपके पास जॉब के बावजूद भी एक्स्ट्रा टाइम ज्यादा बचता है तो आप इसे YouTube पर अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। इसलिए दिन भर मोबाइल पर गेम खेलने के बजाय अपने गेम प्ले को एडिट करके YouTube पर डालकर आसानी से ग्रो हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि गेमिंग वीडियो को कैसे एडिट करें तो यहां पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मैं आपको वहीं पर मिलूंगा।